मूवी की शुरुआत रुखसाना नाम की लड़की को दिखाने से होती है, जो हर दिन अपने डैड के साथ बीच पर सर्फिंग के लिए आया करती है। और अब ऐसा करते ही करते हम देखते हैं धीरे धीरे रुखसाना काफी बड़ी हो जाती है, और यहाँ हम देखते हैं कि वो काफी अच्छी स्विमर भी बन चुकी थी। और अब अगले सीन में हमें रुखसाना को उसके क्लासरूम में दिखाया जाता है, जहाँ प्रोफेसर बता रहे होते हैं कि कैसे पानी के 30 मीटर अंदर तक जाने के बाद फेफड़ों के अंदर का दबाव बढ़ने लगता है, और ये दबाव और नीचे जाने पर बढ़ने लगता है, जिससे मौत भी हो सकती है। अब क्लास खत्म होने के बाद रुखसाना को उसके घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ घर पहुँचने पर उसकी मॉम के साथ उसकी झड़प हो जाती है, क्योंकि रुखसाना के डैड के मरने के बाद उसने भी सुसाइड करने की काफी कोशिश की थी, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसे डॉक्टर के पास भेजती रहती है ताकि वो फिर से कोई मेंटल वाला काम ना कर सके। लेकिन यहाँ पर रुखसाना अपनी मॉम को बताती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अभी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अब अगले दिन हम देखते हैं कि रुखसाना अपनी मॉम को झूठ बोलकर पेरिस के लिए चली जाती है, जहाँ वो डाइविंग क्लासेस ज्वाइन कर लेती है। तभी यहाँ पर उसकी मुलाकात एक टॉम नाम के शख्स से होती है, जो कि एक स्विमर होता है। और यहाँ पर पहली नज़र में टॉम को रुखसाना काफी पसंद भी आ जाती है, जिसके बाद टॉम रुखसाना को अपनी बोट पर लेकर आता है, और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पहले से ही होते हैं, जो कि खुद भी डाइविंग सीखना चाहते हैं। और फिर वो डाइविंग के लिए सभी जरूरी जानकारी सभी को बताने लगता है। तभी वहाँ पर डाइविंग चैंपियन भी आ जाता है, जो कि उन्हें मोटिवेट करते हुए कहता है कि अगर आप अपने डर पर काबू पा लेते हैं तो डाइविंग करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग पानी में उतर जाते हैं, और रुखसाना देखती है कि रिकर बिना किसी सेफ्टी के नीचे जा चुका है, और ऐसा देखकर वो उसे काफी इम्प्रेस भी होती है। और अब रात के टाइम हम सभी स्टूडेंट्स को पार्टी करते हुए देखते हैं, जहाँ पर रुखसाना जब आती है तो रेकर भी उसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसने पहली बार उसे नोटिस ही नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर अब ये दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं, और जब रुखसाना वॉशरूम जाती है तो रेकर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस भी करने लगते हैं और डायरेक्टली इंटीमेट भी हो जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पर सारे लोगों को पता चल चुका था कि ये लोग अंदर क्या कांड करके आए हैं। और ये सब जानकर टॉम को काफी बुरा लगता है, और रेकर की गर्लफ्रेंड को भी काफी गुस्सा आ गया था, और इसी वजह से वो यहाँ से चली जाती है। और अब अगले सीन में हम इन दोनों को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर रेकर उसे डाइविंग सिखा रहा होता है, जिसके बाद वो वापस उसे अपनी डाइविंग बोट पर लेकर आता है। लेकिन ये बात उसकी एक साथी को सही नहीं लगती, और वो कहता है कि रेकर आज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करेगा, जिसमें काफी सारा रिस्क भी है, और तुम्हें तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं होना था। और आज वो 170 मीटर की गहराई में जाएगा ताकि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश कर सके। ये सुनकर रुखसाना का डर और एक्साइटमेंट दोनों ही बढ़ जाते हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रेकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दिन आ चुका था, जहाँ पर वो 170 मीटर की गहराई में 2 मिनट में अप डाउन कर देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं रुखसाना अपने मॉम से बातें कर रही है, जो कि उसे फिर से वापस लौटकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करने के लिए कह रही होती है। लेकिन यहाँ पर रुखसाना अपनी मॉम की बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है, और उसको अपने रिलेशनशिप के बारे में भी बता देती है। अब अगले दिन रेकर को पता चलता है कि किसी बंदे ने 179 मीटर की दूरी तय करके उसके वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, इसलिए रेकर भी उस बंदे के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कॉम्पिटिशन में दोबारा भाग लेता है। लेकिन लौटते टाइम वो बेहोश हो जाता है, जिसके चलते वो उसके वर्ल्ड रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाता है। यहाँ पर डॉक्टर बताते हैं कि अगर रेकर ने डाइविंग कंटिन्यू रखी तो उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है, पर रेकर इस बात को ज्यादा ध्यान दिए बिना रुखसाना को ट्रेनिंग देने के लिए चला जाता है। इसके बाद जब कंपटीशन का दिन आता है, तब रुखसाना वर्ल्ड कैटेगरी में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती है, और ऐसा देखकर वहाँ के सारे लोग बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पर रुखसाना की मॉम भी आई हुई थी, जो रुखसाना को इस अमेजिंग काम के लिए बधाई देती है, और फिर उसे वापस चलकर अपनी स्टडी पर फोकस करने को कहती है। पर रुखसाना अपनी मॉम की एक भी नहीं सुनती है, और फिर अपनी मॉम को गले लगाकर वहां से चली जाती है। और अब हम देखते हैं कि रुखसाना फिर से एक बार डाइविंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है, जिसमें वो फिर से सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ देती है, और उसके तरीके से उसकी एक नई पहचान भी बन जाती है, और उसके इंटरव्यू भी किए जाते हैं। और यहाँ रुखसाना अपनी कामयाबी से बहुत ही खुश थी। और अब अगले सीन में हम एक लड़की को फोन पर बात करते हुए दिखाया जाता है, उसे बातें करते हुए रुखसाना भी देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है, जहां वो देखती है कि रेकर एक लड़की के साथ मजे कर रहा है, और उससे बहुत ही ज्यादा दुखी होकर वो टॉम के पास चली जाती है और उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कहने लगती है, और टॉम यही तो चाहता था। और यहीं पर ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और अब अगली सुबह रुखसाना अपने घर से सारा सामान पैक करने लगती है, क्योंकि वो यहाँ से अब जाने वाली थी। हालांकि उसे रोकने के लिए रेकर काफी कोशिशें करता है, लेकिन यहाँ पर रुखसाना उसकी एक भी नहीं सुनती है और वहां से चली जाती है। और ऐसा देखकर रेकर अपने हाथ से शीशा तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ जख्मी हो जाता है, और इमोशनल होकर रुखसाना भी उसके पास ही रुक जाती है। और अब अगले दिन रेकर रुखसाना की प्रैक्टिस करवा रहा होता है, तभी रुखसाना के फोन पर टॉम का मैसेज आता है। ऐसा देखने के बाद वो उसे डिलीट कर देता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं, जब इन सारे लोगों का इंटरव्यू चल रहा था, तभी रुखसाना रेकर को अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को आंख मारते हुए देख लेती है, जिसे देखकर रुखसाना समझ जाती है कि रेकर कभी नहीं सुधरने वाला है।
और इस बात से निराश होकर वो अपने घर आकर काफी रोती है। अब आगे जाकर हम देखते हैं कि रुखसाना का कंपटीशन डे आ चुका था, जिसमें उसे 180 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना था और यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भरने की जिम्मेदारी टॉम की थी। और वो अपना काम काफी अच्छी तरीके से करता है, लेकिन तभी उसके पास रेकर आता है जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर को चेक करने लगता है कि उसने अपना काम सही से किया है या नहीं। और अब जब कुछ चेक करने के बाद रुखसाना को तैयार किया जाता है, जिसके बाद वो पानी के अंदर जाने लगती है, लेकिन काफ़ी नीचे जाने के बाद उसे पता चलता है कि गैस सिलेंडर खाली है। हालांकि उसकी टीम उसे जल्दी से बाहर निकालने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन वहां पर काफ़ी लंबा वक्त गुजर चुका था, जिसकी वजह से रुखसाना की मौत वहीं पर हो जाती है। और अब इसके बाद पुलिस टॉम को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है, क्योंकि गैस सिलेंडर भरने की जिम्मेदारी उसकी थी। लेकिन टॉम की सफाई देने के बाद पुलिस उसे जाने देती है और फिर पुलिस रेकर को हिरासत में लेती है, पर रेकर की भी सफाई देने के बाद पुलिस उसे जाने देती है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है, पर हमें यह नहीं दिखाया जाता है कि असली कातिल कौन था। आप सभी को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना।